भी बदल गया है। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सरकारी कर्मचारी अब धरना प्रदर्शन के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। आईटी के योद्धा कहे जाने वाले सूचना सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर ट्विटर पर जंग छेड़ दी है। सूचना सहायकों का यह ट्विटर अभियान ट्रेंडिंग में टॉप कर रहा है। आंदोलन के लिए सोशल मीडिया का सहारा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब तक विचारों को शेयर करने, मुद्दों पर राय देने और सूचनाओं के आदान प्रदान का सबसे मजबूत जरिया होता था, लेकिन अपनी मांगों को मनवाने के लिए भी कर्मचारी इसका इस्तेमाल तेजी से करने लगे हैं। समय के साथ मांगों को लेकर विरोध का तरीका भी तेजी से बदल रहा है। सरकारी कर्मचारी अब सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हड़ताल, धरने, प्रदर्शन छोड़कर डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं और अब इसमें शामिल हो गए हैं राजस्थान सरकार में आईटी के योद्धा कहे जाने वाले सूचना सहायक, जो राज्य सरकार से ग्रेड पे 3600 करने की मांग को लेकर सड़कों को छोड़कर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात पहुंचा रहे हैं। प्रदेश भर के करीब 6000 से ज्यादा सूचना सहायक और सहायक प्रोग्रामरों ने ट्विटर पर जंग छेड़ रही हैं। ट्विटर पर #IAGradePay3600 और #IAKaHak नामक हैशटैग के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं। सूचना सहायकों का कहना है कि धरने, प्रदर्शन या रैली के लिए पहले पुलिस प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। कई बार सरकारी कार्मिकों पर केस भी दर्ज हो जाता है, जिससे उनकी नौकरी पर भी संकट खड़ा हो जाता है। मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। देखिए सर, ये जो ट्विटर अभियान है हमारा, चूंकि आजकल युग ही आईटी का है और हम भी आईटी कर्मचारी है, तो एक माध्यम है सरकार के पास अपनी बात रखने का। ट्विटर के माध्यम से हम सरकार के सामने हमारी मांग को रख रहे हैं। पिछले 4 साल से पिछली सरकार थी, उसके अंदर हमने प्रयास किए थे, हमारे हैशटैग थे #IAGradePay3600। इसका असर ये रहा था कि पिछली सरकार में सचिन पायलट जी, जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने हमारे ट्विटर अभियान को देखते हुए सरकार से अपील की थी कि इनकी मांगें पूरी की जाए। चूंकि वर्तमान सरकार में सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री है, सरकार कांग्रेस की है, तो हमने दोबारा इस अभियान को इसलिए चालू किया है, इस बात सरकार के पास रखने के लिए कि जो बात हमारी पिछली सरकार में सुनी गई थी, उस बात को इस सरकार में मानी जाए। सहायक है जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जिस तरीके से आईटी के क्षेत्र में राजस्थान का जो नाम हो रहा है और इसी नाम को लेकर फिर एक बार सरकार को अपनी बात पहुंचाने का माध्यम वो ट्विटर अपना रहे हैं। सूचना सहायकों का कहना है कि आईटी के युग में चक्का जाम, रास्ते अवरुद्ध करने से बेहतर है कि तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कोई परेशान भी न हो, शांतिपूर्ण तरीके से अपने सिर्फ जायज मांगों को पूरा करवाने के लिए ट्विटर पर अभियान चलाया जा रहा है। सभी सूचना सहायकों ने ट्विटर पर 3600 अंकों के नाम से अभियान चलाया है। सूचना सहायकों का कहना है कि राजस्थान को आईटी के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड मिले, लेकिन सरकार की हठधर्मिता की वजह से आईटी कर्मचारियों की सुनवाई नहीं हो रही है। ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार हमारी मांगों को, हम निरंतर पिछले साल भी हमने धरना किया था, लेकिन हमारी बात सुन नहीं रही है, हमारी मांगों को मान नहीं रही है। तो ये हमने ये एक तरीका अपनाया है उन तक अपनी सरकार तक बात पहुंचाने के लिए, सोशल मीडिया का। सरकार से इन लोगों की मांग है कि सहायक प्रोग्रामर की ग्रेड पे 3600 से बढ़ाकर 4500 की जाए, सूचना सहायक की ग्रेड पे 2800 से 3600 करने और सूचना सहायकों का प्रमोशन 1:3 के रेशियो में हो। इसके अलावा सहायक प्रोग्रामर के नवीन पद सृजित करने जैसी मांगे भी इसमें शामिल हैं। सूचना सहायकों का ट्विटर अभियान ट्विटर पर फिलहाल टॉप ट्रेंड कर रहा है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।